तो दोस्तों, जैसे कि मैंने थंबनेल पे बताया है कि न्यू यूट्यूबर हो तो ये गलती कभी मत करना। तो दोस्तों, ये मैं ना सच्ची में बता रही हूँ, अपने क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं यूट्यूब को करीब 1.5 साल से यूज कर रही हूँ। मेरा एक दूसरा अकाउंट है जिसने 4,000 सब्सक्राइबर पूरा होने वाले हैं। उसमें जानती हूँ मैं क्या करी थी, शुरू में यूट्यूब पे व्यूज नहीं आ रहा था तो मैं क्या की थी ना कि दूसरे का शॉर्ट वीडियो डाला था, वो फेमस थी तो इसकी वीडियो वायरल हो गई और एक वीडियो जो है वो 8 लाख तक चला। तो वो मेरे को ना 1.5 हज़ार सब्सक्राइबर मुझे दे दिया। तो मैं तो बल्ले बल्ले हो गई, मुझे लगा कि मेरा तो 1,000 सब्सक्राइबर हो गया, अब मैं वायरल हो गई, मेरा वीडियो चलने लगेगा। लेकिन सपना कब टूटा पता है, जब मैं अपनी वीडियो डालने लगी और एक भी लाइक या फिर व्यूज नहीं आने लगे तब। तो मैं आप सबको यही बताना चाहती हूँ दोस्तों कि अगर आप न्यू क्रिएटर हैं और आपके वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहे हैं तब भी आप टेंशन नहीं लीजिए और सिर्फ अपनी वीडियो ही अपलोड कीजिए। ऐसा नहीं कि किसी और का वीडियो अपलोड करो जो फेमस है। इससे क्या होता है ना कि उसको तो सभी लोग जानते हैं, उसकी वीडियो को देखने के लिए आते हैं और उसकी वीडियो को लाइक करते हैं और उन्हें लगता है कि वो उसकी उन्हीं की वीडियो ये चैनल पे आने वाली है तो वो सब्सक्राइब भी करते हैं। और लेकिन जब बाद में उनकी वीडियो नहीं आती है, आपकी वीडियो आती है तो वो नहीं देखते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, अनसब्सक्राइब भी कर देते हैं। तो इसीलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। देखो, इस चैनल पे मैं सिर्फ अपना ही वीडियो अपलोड करती हूँ। तो दोस्तों, ये गलती कभी मत करना, भले ग्रो होने में टाइम लग जाए 1 साल 2 साल, लेकिन अपनी ही वीडियो डालना, किसी दूसरे का वीडियो मत डालना। जो भी करना है अपने करो। तो यही बातें थी दोस्तों।